जय हिंद। मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके लिए कोई बात ही नहीं कर रहा है, और वो है जिम वाले लोग। आपको पता है जो जिम में काम करते हैं या जिनके जिम है, स्पेशली जो जिम के ट्रेनर्स हैं, एक बात क्लियर कर दूं, मेरा कोई जिम नहीं और मैं एक जिम के मालिक के इसलिए नहीं कि मेरा कुछ बंद हुआ है तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन इनके बारे में बात क्यों कोई नहीं कर रहा है? मतलब दारू की दुकानें खुल गई, मतलब क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो ये बेवड़े हैं, दारू खो रहे हैं, ये ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे? और वो नहीं, जो एथलीट्स, आपको पता है कितने सारे एथलीट्स हैं जिनकी जरूरत है मशीन्स की, जो ट्रेनिंग करते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, आप क्यों नहीं रूल्स बना सकते, नियम बनाइए बिल्कुल। और मैं 100% नहीं, 1000% में गारंटी दे सकता हूं कि जो ये जिम करते हैं ना, स्पेशली जो एथलीट्स हैं, बहुत नियम का पालन करेंगे। मतलब ये बात समझ में नहीं आई कि बेवड़ों के लिए आपने दारू की दुकानें खोल दी, क्या सिर्फ पैसा मैटर करता है? तो फिर क्या हुआ, फिट इंडिया मूवमेंट क्या था? ऐसा है, सुनो, सरकार कोई भी है यार, मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार, भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी, आम आदमी, जो भी पार्टी है, क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में कि मेरी तरफ से मुझे लगता है कि ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है? अगर हम एक तरफ तो फिट इंडिया की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपको पता है ये बच्चों के साथ क्या हो रहा होगा, जो रिसेप्शनिस्ट हो, न्यूट्रिशनिस्ट, जो लोग काम करते हैं, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं। यार महामारी है, मैं इसमें बिल्कुल बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने जब ये दारू के बेवड़ों के लिए आप फैसिलिटी कर सकते हैं, उन लड़कों का क्या जो जिम के मालिक है, जिनने छोटे छोटे कस्बे में, छोटे छोटे गांव में अपनी मेहनत की है? क्या हो रहा है ना, अमीरों के घर में जिम है, गरीब आदमी बहुत ज्यादा परेशान है, जो मिडिल क्लास है उसके लिए जो जिम जाते हैं लड़के, जो बेचारे मेहनत करते हैं, और जिम जाने वाला आदमी नियम नहीं तोड़ेगा, इतना तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, तो सोचिए जरा इस पर। वो शारीरिक रूप से बहुत मजबूत है, उन बच्चों की फीस कौन देगा जो जिम के ट्रेनर है? और कई लोग ऐसे हैं जो जिम के ट्रेनर्स को, या जो छोटे छोटे जो 10 से 15 हजार रुपए 20 हजार रुपए महीने का कमाते, उनकी पेमेंट नहीं दे रहे हैं। कुछ शर्म करिए यार, आपके लिए हो सकता है 15-20 हजार रुपए कुछ ना हो, लेकिन उन लोगों के लिए, उनके पूरे परिवार की, उनके पूरे बूढ़े माँ बाप, उनके घर में बच्चों, सबकी जिम्मेदारी है। तो कोशिश करिएगा ऐसी बेईमानी नहीं करने की, और मैं कहता हूँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये बात क्लियर है कि आप कोशिश करें, पूरी गाइडलाइन बनाएं, और मुझे पूरा भरोसा है जितने जिम वाले हैं, जितने लड़के हैं, जितने फिटनेस इंडस्ट्री के लड़के हैं, जितने भी वो बच्चे हैं जो जिम में किसी भी टाइप से, फिटनेस इंडस्ट्री स्पेशली जिम्स में काम करते हैं, जिम को खुलवाना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। जो नियम होंगे, साफ सफाई का जो पालन नहीं करे, उसे आप पनिशमेंट दीजिए, उसको जेल में डाल दीजिए, लेकिन अब बंद मत करिए। मतलब आप बेवड़ों को फैसिलिटीज मिल रही है, और उन बच्चों को नहीं जिन्हें सालों से मेहनत करके कुछ इंस्ट्रक्टर बने, कुछ ट्रेनर बने, कुछ जिम के मालिक बने। सोचिएगा जरूर, ये मुद्दा है कोई इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि किसी का कोई इसमें डायरेक्ट राजनीतिक फायदा नहीं है, हर चीज राजनीति के लिए नहीं होती है। ये भी सोचें कि अगर उनके बच्चे भूखे हैं, अगर उनके घर में पेमेंट नहीं आ रही, उनका घर कौन चलाएगा साहब? जय हिंद।